गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं F1 टेक सपोर्ट पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वंडरशेयर फिल्मोरा के बारे में। जी हाँ, फिल्मोरा। जब मैं यूट्यूब पे अपना पहला वीडियो एडिट करने वाला था तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम पड़ा हुआ था। मोबाइल में मेरे को वीडियो एडिटिंग बिल्कुल ना के बराबर समझिए कि मोबाइल में क्या, डेस्कटॉप में भी मेरे को उतना ठीक ढंग से नहीं आता था, बट मोबाइल में मेरे को बहुत अजीब टाइप का लगता था, मैं उससे संतुष्ट नहीं था। सच मानिए तो मैंने फिर बाद में एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, ये सब जो एडोब के बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर है, इनको यूज किया। बट वो आप यकीन मानिए कि बहुत ही डिफरेंट था। हम जैसे नए यूट्यूबर्स के लिए समझिए तो वो एक बहुत हाई लेवल का सॉफ्टवेयर था। तो मेरे एक फ्रेंड हैं अभिषेक सिन्हा, जो कि उनका भी एक यूट्यूब चैनल है रिव्यू रिलेट करके है, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप विंडो 10 आपके पास यूज करते ही हैं तो आप सबसे अच्छा वंडरशेयर का फिल्मोरा यूज कीजिए। फिल्मोरा, जी हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फिल्मोरा यूज किया। फिल्मोरा यूज करने के बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, ये तो सॉफ्टवेयर बहुत ही ईजी है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था फिल्मोरा का। एक दिन, जी हाँ यकीन मानिए, एक दिन अगर आप बैठकर कंटिन्यू, मैंने 4 घंटे, जी हाँ कंटिन्यू मैंने 4 घंटे फिल्मोरा को देखा, सारे चीज़ों को बारीकी से मैंने समझा, कुछ यूट्यूब से भी मैंने ट्रिक्स लिए, और यकीन मानिए आज के डेट में मेरे को फिल्मोरा चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मैं वीडियो एडिटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। इफेक्ट्स, टैक्स, ट्रांसमिशन, कहाँ एलिमेंट्स डालने हैं, कहाँ इफेक्ट मेरे को डालना है, कहाँ मेरे को म्यूजिक डालना है, ये सारा चीज़ बहुत ईजी है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, फिल्मोरा के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और कैसे फिल्मोरा को यूज करते हैं, कैसे वीडियो में इफेक्ट डालते हैं, कैसे साउंड कट करते हैं, वीडियो कट करते हैं, सारी चीज़ मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊँगा। देखिए, यकीन मानिए आप इस वीडियो को देखने के बाद अगले दिन ही आप फिल्मोरा यूज करते होंगे तो फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम फिल्मोरा को ओपन करेंगे। ये देखिए, आप फिल्मोरा देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इसे ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। फिल्मोरा भी यहाँ पे ओपन हो रहा है, देख सकते हैं। ये मेरा फिल्मोरा का शॉर्टकट आइकन है। तो फिल्मोरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो प्रोसेस है, फुल फीचर मोड और इजी मोड है यहाँ पे, उसके बाद इंस्टेंट कटर है और एक्शन कैमरा टूल से। तो हम यहाँ पे फुल फीचर मोड को ओपन करेंगे। इस मोड में हमें जो सारे टूल्स जो है एक जगह मिलते हैं, तो हम इसी प्रोसेस पे इंटर करेंगे। और चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं और फुल फीचर मोड को ही ओपन करते हैं। ये देखिए, ये जो मोड है, ये मोड है, ये आपका फुल फीचर मोड। इसमें आपको सारे टूल्स एक जगह बहुत ईजी वे से मिलेंगे। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये जो एरिया है, यहाँ पे आपके जो भी पिक्चर्स, वीडियोज, सॉन्ग्स, जो भी आप डालना चाहें, यहाँ पे आपको पहले इंपोर्ट करना होगा। यानी कि किसी भी फाइल को आप यहीं से आप उसको सेलेक्ट, ओपन कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ये फाइल हो गया आपका, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो या कुछ भी हो, जो भी हो, फोटो, पिक्चर्स हो। अब यहाँ पे हम चाहेंगे और इंपोर्ट मीडिया यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम अपने वीडियो को सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा डेमो वीडियो है। यहाँ पे फ़ोटो भी है, इंट्रो भी है और सॉन्ग भी है। तो फिलहाल हम इन तीनों को इंपोर्ट करते हैं। ये देखिए, आपका इंपोर्ट हो रहा है। यानी कि आपके वीडियोज, इंट्रो और फोटो, उसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको पहले हम प्ले करके एक बार देखेंगे और इसको
इन दोनों को पहले हमने सेलेक्ट कर लें, इंट्रो को पहले रखेंगे और अपने वीडियो को बाद में। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, मीडिया, मीडिया का जो ऑप्शन, यहाँ सब कोई भी मीडिया फाइल ये सब ले सकते हैं। नीचे जो ऑप्शन है ये अंडो का ऑप्शन है, ये रीडो का ऑप्शन है, और ये जो ऑप्शन कटर का, कोई भी वीडियो ऑडियो कट कर सकते हैं, और ये डिलीट का ऑप्शन है। और ऊपर में जो है मीडिया का ऑप्शन, यहाँ से आप मीडिया डाल सकते हैं, म्यूज़िक के लिए यहाँ पे, और टेक्स्ट के लिए यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ये है ट्रांजिशन, फिल्टर, ओवरले, एलिमेंट, स्प्लिट स्क्रीन, ये सब टूल्स एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है फिल्मोरा का। तो ये जो सारे ऑप्शन आपने जो देखे, मीडिया, म्यूजिक, टेक्स्ट, ट्रांजिशन, ओवरले, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एंडो का ऑप्शन हमने कर लिया, इसके यानी कि जो भी फाइल हमने सेलेक्ट किया था उसको फिर से हमने बैक कर दिया। अब ये इंट्रो है मेरा, तो ये मेरा जो इंट्रो था देख सकते हैं, मैं इसे प्ले करके देखा, इसको हम लोग सबसे फर्स्ट में रखेंगे। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं टाइमलाइन पे जो लंबी लाइन है, इसी से हम सबको कंट्रोल करते हैं। तो अब इसके बाद हमें अपना वीडियो रखना है, सबसे पहले इंट्रो रखेंगे उसके बाद वीडियो। तो इंट्रो आपने देखा अभी मैंने प्ले किया था, और ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं नीचे, ये फर्स्ट टाइमलाइन में फर्स्ट वीडियो है, और नीचे में आप देख सकते हैं दो वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, नीचे टेक्स्ट है, फिर ऑडियो है, फिर ऑडियो, यानी कि सेकंड दो ऑडियो दो वीडियो एक्स्ट्रा। तो ये कैसे यूज होगा इस वीडियो में आप देखेंगे। तो फिलहाल हम अपने वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये देखिए ऐड हो गया। अब दोनों के बीच में कट है, आप देख सकते हैं जैसे ये मेरा प्ले हो गया इंट्रो, उसके बाद डायरेक्टली मैं चले आता हूँ, तो बीच में मेरा वीडियो कट, वो ना दिखे उसको हिडन करने के लिए हम यहाँ पे ट्रांजिशंस लगाते हैं। जी हाँ, आप ये एक छोटा सा ऑडियो क्लिप है, इसे अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ इसको लगाकर, यानी कि ये इंट्रो के बाद साउंड के लिए छोटा सा साउंड है। तो फिलहाल इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑडियो सेट किया था, ये ऑडियो यहाँ पे, ये दोनों ऑडियो ऑप्शन है, अलग अलग तरह के ऑडियो आप ऊपर नीचे करके आप प्ले कर सकते हैं। तो इसे स्टॉप करते हैं, और ये जो बीच का ऑप्शन है जहाँ पे इंट्रो के बाद वाला जो ऑप्शन है, देखिए मैं इसको यहाँ से लंबा छोटा बड़ा कर सकता हूँ ये टाइमलाइन को। तो हम यहाँ पे चलते हैं ट्रांजिशंस पर, और यहाँ से कोई भी हम उठा लेते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ट्रांजिशंस, कौन सा, ये बीच में होता है जहाँ पे आपका वीडियो कट होता है, जैसे मैंने क्लिक किया ये बीच वाला वीडियो था। तो इसे मैं इंट्रो से थोड़ा सा पहले कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए ये वाला मैंने सेलेक्ट कराया, पहले इसको प्ले करके देखता हूँ। बहुत अच्छा, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, मैं तो अपने अनुसार इसे सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, और इसे सेलेक्ट करता हूँ और प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे दिखेगा। तो देखा आपने कैसा इफ़ेक्ट था, आपने देख ही लिया ट्रांजिशंस का कमाल।
तो उसके बाद फिर से एक बार प्ले करके देखते हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ से मैं एक बार फिर से टैक्स लूँगा। टैक्स आप अपने मर्जी के अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे, मैं टैक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो भी टैक्स आपको अच्छा लगे उस टैक्स को आप पहले प्ले करके देख लें कैसे प्ले होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। टेक्स्ट में मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा टेक्स्ट में डालूं। मैं हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहता हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करें उसे फेवरेट में डाल लें, ताकि आपको इतना घूमना ना पड़े। ये मैंने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया था, तो फ़िलहाल मैं टेक्स्ट पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर अब ये एक्शन कैम है, इसे हम जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैं रई वर्मा डाल देता हूँ यहाँ पे। टेक्स्ट में कलर का भी यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये जो है इसको मैं यहाँ पे से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ टाइप भी कर सकते हैं आपके ऊपर। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपना चैनल का नाम ऐड कर देता हूँ, एफ1 टेक सपोर्ट। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसको जितने अच्छे ढंग से सेट कर पाए। अब जो मेरा नाम है इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। कलर येलो, नो कलर आप अपने अनुसार जैसा चाहे वैसे सेलेक्ट करें। तो यहाँ से भी मैं कलर को चेंज कर सकता हूँ, देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रसेट, प्रीसेट, प्रीसेट है, कस्टमाइज है, एनिमेशन है। प्रीसेट जो आपका है ऑलरेडी सेलेक्ट, देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया तो कलर चेंज हुआ, ये भी कलर चेंज हुआ, देख सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और F1 टेक को भी मैं दूसरे कलर में ऐड कर लेता हूँ। तो इसे मैं सेलेक्ट के लिए थोड़ा छोटा बड़ा अपने अनुसार कर सकते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। ओके पे क्लिक किया, फिर से प्ले करके देखता हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट सेट किया है जो नाम वो कैसा आ रहा है। तो देखा यहाँ पे आपने टैक्स भी आ गया, और सबसे मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि ट्रांसिस्टेंस जो मैंने सेट किया था वो ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे कुछ सॉन्ग है उसको भी मैं बैकग्राउंड में ऐड करने वाला हूँ, ताकि जब भी कोई व्यूअर वीडियो देखें तो बोर ना हो। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पे छोटा बड़ा करके जहाँ तक मेरा वीडियो फ़िलहाल अभी के लिए उसे ऐड कर लेता हूँ। और इसे प्ले करके मैं देखता हूँ, इंट्रो के बाद ही आप उसको लगाएं, क्योंकि इंट्रो में कुछ और म्यूजिक और आपके MP3 में कुछ और। तो यहाँ देखिए ये सीधी लंबी लाइन इंट्रो के बाद ही मैंने इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया है। फिर से प्ले करके मैं देखूंगा, तो MP3 यहाँ पे जो मैंने लगाया था म्यूजिक वो तो बज रहा है। अब इस पर मैं लेफ्ट क्लिक करके एडिट पे जाऊंगा और इसका जो 100% वॉल्यूम है उसे मैं 20 या 20 से कम 24 पे सेट कर देता हूँ। फिर से प्ले करके देखता हूँ, तो यहाँ पे फिलहाल ठीक है,
ज़्यादा कोई डिस्टरबेंस तो नहीं मुझे लग रहा है। ये आपका मीडिया क्लियर हुआ, म्यूजिक क्लियर हुआ, टर्फ क्लियर हुआ, ट्रांसिस्टेंस का भी जो ऑप्शन था वो भी आपका क्लियर हो गया। देख सकते हैं ये ट्रांसिस्टेंस का इफेक्ट है, जूम करके मैं आपको दिखा दिया कि ये कैसा दिखता है। फिल्मोरा बहुत इजी है दोस्तों, आप इसे यूज करें, बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखा सकता हूँ आपको। अब जो है इसको यहाँ तक ये प्ले हो गया। अब जो यहाँ से आप ये जो MP3 देख रहे हैं ज़्यादा है, तो इसे हम यहाँ जहाँ तक हमारा वीडियो ऑडियो है उसके बाद ले जाकर यहाँ से कट भी कर सकते हैं, और मैंने कट कर दिया। तो फिलहाल फिल्टर पे जाते हैं। फिल्टर मतलब जो आपका वीडियो है उसका कुछ कलर आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, प्ले किया, तो ये वीडियो जो है ऑटोमेटिक हिल रही है। तो ये इफ़ेक्ट है फिल्टर में, ये इफ़ेक्ट जो आप देख सकते हैं, हर तरह के इफ़ेक्ट हैं, आप जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं फ़िलहाल जो यूज करने वाला हूँ देख लूँ, फ़िलहाल तो मुझे कुछ ऐसा समझ में आया नहीं। एलिमेंट्स में आप कुछ इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जैसे सिनेमैटिक इफ़ेक्ट हो गया 21:9 का, और ये देख लीजिए ये लुक, वाव। तो ओवरले में आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आप स्क्रीन साइज कम करना, कुछ बहुत ही बेहतरीन इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, फूल के, रोज़ के, देख सकते हैं आप। तो ये आपके ऊपर है, आप अपनी वीडियो को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं व्यूअर के पास। ये सारे इफ़ेक्ट हैं एलिमेंट्स में। ओवरले का भी आप इफ़ेक्ट देख रहे थे, अब एलिमेंट्स का भी आप देख लीजिए। एलिमेंट्स में आपको बहुत सारे ऐसे लोगो दिखेंगे, और इसमें आपको एटॉमिक बम के इफ़ेक्ट, गन के इफ़ेक्ट, रे के इफ़ेक्ट, थंडरस्टॉर्म के इफ़ेक्ट, बहुत सारे इफ़ेक्ट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कहाँ यूज करें। जैसे मैंने ये आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए पीछे से जो बिजली आ रही है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। जगह जगह के ऊपर यूज किया जाता है ये, देखिए आप अपने वीडियो में कहीं भी दीवार से जैसे मेरी तरफ बिजली आ रही है, ये देखिए, ये देखिए, देखा आपने। अब इसे हम यहाँ पे थोड़ा छोटा करेंगे, कहीं भी किसी भी शेप में आप इसको कर सकते हैं। इसे मैं कहीं भी सेट कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कि वहीं पे रहेगा। फिलहाल अब चलते हैं दूसरे एलिमेंट्स में। यहाँ पे हर तरह का है, जैसे आप अभी यहाँ खड़े हैं वहाँ पे बादल आ जाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कड़कता बिजली बादल के साथ, बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट फिल्मोरा में आपको मिल जाएगी। ये देखिए पॉम ब्लास्टिंग इफेक्ट, प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ एक। देखा आपने एटॉमिक बम ये ब्लास्टिंग का कमाल।
बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा आपका वीडियो वैसा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इफ़ेक्ट, प्ले करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए जैसे लगता है ऊपर से कुछ बिल्डिंग वगैरह गिर रहा है। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है स्प्लिट स्क्रीन, यानी कि एक साथ दो तीन कोई भी वीडियो को आप वहाँ पे प्ले करा सकते हैं। चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, कोई भी आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आपको अच्छा लगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में ये अपना वीडियो डालूँगा और सेकंड में जो मेरा फ़ोटो है वो डालूँगा। अब इसको प्ले करके देखते हैं, तो ये दोनों प्ले होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्क्रीन भी हो गया और सेकेंड स्क्रीन भी हो गया, तो बहुत ही ईजी है ये प्रोसेस। बहुत सारे सेप में यहाँ पे मौजूद है, 3 सेप, 4 सेप, 5 सेप, कोई भी आप प्ले करके ऐड करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, ये देखिए इतने सारे सेप्स हैं यहाँ पे। कहीं भी आप अपने वीडियो को, ऑडियो को या पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखा दोस्तों आपने, फ़िलहाल आपका ना सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया है। अंडों से जो भी आपने इफ़ेक्ट को ऐड किया होता है वो वापस चला जाता है, यानी कि फिर वहाँ से वो हट जाता है। परमानेंटली नहीं होता है बट वो हट जाता है, फिर आपको उससे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना होगा। अब जो स्क्रीन स्प्लिट है, या आप कहें स्प्लिट स्क्रीन, तो ये आप देख सकते हैं ऑडा का कमाल इससे होता ही है कि वीडियो में जो है आपको ऑडियो कट हो जाती है। जी हाँ, वीडियो से ऑडियो का कोई लेना देना है ही नहीं। अगर उसी वीडियो का आप नीचे सेट करके चलाएं तो वो तो प्ले होगा ही, बट ऑडियो में से फिल्मोरा ने वीडियो में से ऑडियो को हटा ही दिया। टाइमलाइन पे कुछ हरकतें करते हैं और फिर से ये जो आप देख रहे हैं कि मैंने एक इंट्रो, एक वीडियो और एक टेक्स्ट जो मेरा लोगो है। अब एक्सपोर्ट करने की जब बारी आती है तो पहले यहाँ पर नाम लिख लेते हैं जो जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि नाम लिखने के बहुत ही मायने होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फिल्मोरा लिखते हैं, सेव टू, मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी किया हुआ है 90:20:1080, गुड परफॉर्मेंस के साथ मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन जो है 90:20:1080 है, ये देख लीजिए 30 फ्रेम पर सेकंड हो गया। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसे ओके कर लेते हैं। मेरा जो फाइल है 42.2 MB का है, तो इसे हम अब एक्सपोर्ट करते हैं। पहले एक बार री चेकिंग कर लें एक्सपोर्ट करने के बाद ये आप। तो दोस्तों देखा आपने फिल्मोरा को यूज करते हुए तो कैसा लगा ये आपको, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दिल की बातों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं बहुत वेट करता हूं कि लोग मुझे कमेंट्स करें, बताएं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसमें आपकी क्या है राय, अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। और फिल्मोरा का अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको फिल्मोरा का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्मोरा के बारे में अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि फिल्मोरा में आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।